वालेकुम, कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सब लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अपना बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त निकाल के। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरू के टाइटल से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो किस से रिलेटेड है। सो आप लोगों ने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, आप लोगों के लिए मैंने डिटेल बाय डिटेल इस वीडियो को शूट किया है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय करना है और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ जी, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डर्मा स्टेशन के फिशल से रिलेटेड, और ये मैंने फिशल बाय किया है। इनकी वेबसाइट का लिंक आपके सामने है और इसके अंदर जो मेंशन किया है वो है हेलो ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा ये इन्होंने लिखा हुआ है। उसके साथ जो बॉक्स है वो बहुत खूबसूरत है और इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है टोनर, उसके बाद क्लिनजर, मास्क और तमाम प्रोडक्ट हैं इसके अंदर। उसके साथ बाद मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि इसके साथ इन्होंने सीरम भी इनका दिया हुआ है जो है डर्मा स्टेशन का ही, और बहुत ही खूबसूरत बॉक्स में। उसके साथ इसका जो ब्रोशर है वो उसके साथ मेंशन है, डिटेल बाय डिटेल उन्होंने साथ लिखा हुआ है कि आप लोग इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आप लोग अपनी मर्ज़ी के जो क्वांटिटी है जैसे कि 500, 250, देखते हैं कि इस फेशियल को किस तरीके से करना है। आप लोगों ने यहाँ पर फेशियल करना है, इसके तमाम स्टेप आप लोगों के साथ मैंने पहले हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर इसका क्लिनजर, क्लिनजर इसका आप लोग देख सकते हैं कि उसके बाद हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे इसका सीरम। सीरम अगर आप लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे जो फेशियल की जो पावर है वो डबल हो जाएगी। और जो मैं आपको बता दूँ कि जो क्लिनजर की जो जो थिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसलिए आप लोगों ने इस बात का खास खास ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल भी आपके फेस के ऊपर ड्राई ना हो, क्योंकि अगर बार बार ड्राई होगा तो आपके हैंड्स मूव होने में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए आप लोगों ने जब हम लोग इसके अंदर सीरम ऐड करेंगे तो वो मज़ीद मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, लेकिन थिक फॉर्म में आ जाएगा। तो आप लोग रोज़ वाटर का थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप लोगों ने अपने फेस के ऊपर जो है वो स्प्रे करना है, और उसके बाद आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने फेस को वॉश कर लेना है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप लोग अपने पास कोई भी वाइप्स रख लीजिए या कोई भी पफ रख लीजिए, उसे अच्छी तरीके से आप लोगों ने वॉश करना। उसके बाद टोनर की ब्लीच है वो आप लोगों ने इसी तरीके से बनानी है, वॉल्यूम आप लोगों ने लेना है 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करना है, और जो सूथिंग लोशन आप लोगों की स्किन सेंसिटिव है तो आप लोग यहाँ पर डालिए। डर्मा स्टेशन का आप लोगों ने सीरम यहाँ पर लाजमी इंक्लूड करना है, 1 टेबल स्पून आप लोगों ने लेना है इसका वॉल्यूम का। अगर आप लोगों का फेस के लिए बना रहे हैं तो 1 टेबल स्पून इनफ होता है, अगर हैंड्स एंड फीट्स के लिए बनाना है तो आप लोग इसकी क्वान्टिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। ब्लोंडर आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ करना है 1/3 हिस्सा, आप लोगों की स्किन अगर सेंसिटिव है तो आप लोग यहाँ पर इसके जो ब्लोंडर का जो इस पार्ट है वो आप लोग इसको थोड़ा कम और ज़्यादा दोनों कर सकते हैं। फेस के ऊपर अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने 1 से 2 मिनट के बाद अपने फेस के ऊपर इसको ब्रश की हेल्प से आप लोगों ने मूव करना है, और उसके बाद आप लोग इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना औसम आया है कि आप लोगों को डिफरेंट साफ नज़र आ रहा है। उसके बाद आप लोग लेना है यहाँ पर स्क्रब, स्क्रब आप लोगों ने इसलिए लेना है कि जो आप लोगों के फेस के ऊपर जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं वो अच्छे तरीके से आप लोगों के मूव हो जाए, निकल जाए। उसको आप लोगों ने यूज़ इसी तरीके से करना है कि सीरम इसके अंदर लाजमी से ये होगा कि आपकी जो फेशियल का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा और रिज़ल्ट बहुत ही निकल के आता है। आप लोग ये कह सकते हैं कि जो इसका जो सीरम आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करना है उसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करने के बाद सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने फिंगर की हेल्प से आप लोगों ने मूव करना है। नोज़ के एरिया को आप लोगों ने ज़्यादा टारगेट करना है क्योंकि वहाँ पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने इसको वॉश कर लेना है प्लेन वाटर के साथ या वाइप अप कर सकते। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टेप करेंगे स्किन पॉलिश का। अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप लोगों ने थोड़ी सी फॉर्म में लेना है अपने हाथ के ऊपर और थोड़ा सा आप लोगों ने सीरम इसके अंदर ऐड करना है और उसको अपने फेस के ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए अप्लाई करके छोड़ देना। उसके बाद आप लोगों ने जेंटली इसको मसाज करना है अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से और बहुत हल्के हाथों से मसाज करनी है। आप लोगों ने जो आपके प्रेशर पॉइंट है उसको आप लोगों ने फोकस करना है और जो आपके ब्लैक हेड्स का जो होता है एरिया उसको आप लोगों ने ज़्यादा टारगेट करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने फेस को वॉश कर लेना है, नहीं तो आप उसको वाइप अप भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो आपकी स्किन के ऊपर जो डर्ट होती है, जो डेड स्किन होती है, वो इससे क्लीन हो जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा नोज़ का, यानी कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने का। अगर आपके फेस के ऊपर नहीं है तो आप लोग इस प्रोसेस को यानी कि स्टेप को आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप लोगों का फेवरेट जो भी आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, नोज़ को आप लोग स्टीम कर सकते हैं, नहीं तो टॉवल की हेल्प से भी आप लोग इसको यहाँ स्टीम कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। पिन आप लोग चाहें तो लगाएं,
मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगी पिन को यूज़ करना। उसके बाद आप लोगों ने टोनर का लाजमी यूज़ करना है, ताकि जो आप लोगों के फेस के ऊपर जो ओपन पोर्स हो गए हैं वो आप लोगों के बंद हो जाएँ, ताकि डर्ट वगैरह ना आ जाए। और इसको आप लोगों ने पैट ड्राई करके आप लोगों ने अपने फेस के ऊपर इसको एब्जॉर्ब करना है। और उसके बाद आप लोग इसको सीरम को डायरेक्ट भी अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके फेस के ऊपर जो ग्लोइंग है वो ज़्यादा आएगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है मसाज का। मसाज क्रीम आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी अप्लाई करना है, और इसके जो प्रेशर पॉइंट है आप लोगों के सामने है कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अपने फेस के अंदर एब्जॉर्ब करना है, ताकि आप लोगों की जो ये मसाज क्रीम है वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, उसका बेस्ट रिजल्ट मिल सके। और ये फेशियल का जो पहला फर्स्ट जो इम्प्रेशन आप लोग कह सकते हैं कि मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा है, ये balm.com है। उसके बाद आप लोगों ने अपने फेस को वाइप अप लाजमी कर लेना है। और इसके बाद जो हमारा लास्ट जो स्टेप है वो है इसका मास्क का। आप लोगों ने मास्क अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है 15 मिनट्स के लिए, और इसको भी आप लोगों ने सेम उसी तरीके से यूज़ करना है। आपने इसके अंदर सीरम लाजमी ऐड करना है। सीरम आप लोगों ने हर स्टेप में ही यूज़ करना है। इससे आप लोगों का जो फेशियल का जो आप लोग कहते हैं ना रिज़ल्ट, वो दो गुना से दुगना हो जाएगा, यानी कि उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आप लोगों ने प्लेन वाटर के साथ इसको वॉश कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने वॉश करने के बाद इसके ऊपर जो यूज़ करना है वो है इसका जो टोनर। आप लोग देख सकते हैं कि स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट सफल लग रही है, ग्लोइंग लग रही है। आप लोगों ने ट्राई करना है इसको लाजमी। और आप लोग अगर दिन में इसको यूज़ करें तो सन ब्लॉक मस्ट है, इसका सन ब्लॉक लाजमी मिलेगा। अगर आप लोग नाइट में यूज़ करें हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप लोग इसको इसके बाद शीट मास्क लाजमी लगाएं। शीट मास्क से ये होता है कि आपकी स्किन के अंदर जो मॉइस्चर जो यानी कि पानी होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, उसके साथ आपकी स्किन बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो जाती है, डिहाइड्रेट हुई होती है, क्योंकि फेशियल के स्टेप्स किए जाते हैं तो उसकी वजह से स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है। तो उसको ये हाइड्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक कर देता है। ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर में है, आप लोग मार्केट से बाय कर सकते हैं इसको। उसके बाद आप लोगों ने शीट मास्क अप्लाई करने के बाद अपना फेवरेट कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। इसका भी जो रिव्यू मैंने अपने यूट्यूब के पेज पर दिया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ ज़रूर देखिएगा। आप लोग देख सकते हैं कि स्किन कितनी खूबसूरत और फ्लॉलेस लग रही है, आप लोग इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे ये फेशियल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। इसकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तारीफ की है, और मुझे भी ये वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरी तरफ से आप लोगों को टोटली रेकमेंड है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद इसका फीडबैक देना बिल्कुल।